सिख एजुकेशनल सोसाइटी डोंगरगढ़ के द्वारा संचालित खालसा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले दो विद्यार्थियों का चयन नीट परीक्षा पास करने के बाद MBBS मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ है और एक विद्यार्थी का चयन IIT के लिए हुआ है। वहीं खालसा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष हरजीत सिंह अरोरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैनेजमेंट ने स्कूल की स्थापना के समय जो लक्ष्य रखा था, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों से लगातार सफल हो रहे हैं, वहीं इस वर्ष भी 3 छात्रों का चयन हमारे स्कूल में पढ़ने वाली 3 छात्रों का हुआ है, जिसमें से 2 छात्रों का चयन MBBS के लिए हुआ है तो वहीं 1 छात्र का चयन IIT के लिए हुआ है। वहीं खालसा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा रेणुका नेवरा ने बताया कि स्कूल के सभी शिक्षकों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। हम शुरू से ही इस स्कूल में ही पढ़ते हैं। मेरा नाम रेणुका नेवरा है। मेरा नीट में 612 मार्क्स आए हैं और रैंक 15,630 है और मेरे साथ सकार श्रीवास्तव है, उनका मार्क्स 603 आया है और श्रीजन देवांगन, उन्होंने JEE क्लियर किया है एडवांस और अभी टॉप 7 IIT में जा रहे हैं। और स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया है, सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। शुरू से यही स्कूल में पढ़े हैं, खालसा पब्लिक स्कूल से हैं हम और श्योरिटी यही थी कि अच्छे टीचर्स हैं। मैनेजमेंट ने या सिख एजुकेशन सोसाइटी ने खालसा पब्लिक स्कूल की स्थापना के समय जो लक्ष्य रखा था कि सामान्य वर्ग को बिना कोटा जाए स्टडी के लिए अच्छे मार्क्स और अच्छी सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए विद्यालय को, हम उसमें पूरी तरह से पिछले 5 वर्षों से सफल हो रहे हैं। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय के 3 बच्चों का चयन मेडिकल MBBS के लिए फ्री सीट में हुआ। इस वर्ष 2 बच्चों का चयन मेडिकल में नीट में फ्री सीट के लिए हुआ है और 1 विद्यार्थी का चयन IIT के लिए हुआ है, जिसके लिए विद्यालय को बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुशी हो रही है कि जिस उद्देश्य के लिए विद्यालय की स्थापना हुई थी उस पर हम काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं।